input a number, print all numbers from 1 to n which is divisible by 3 and 4. अच्छा, 3 और 4 से जो डिविजिबल है वो 1 से लेकर के 100 तक के सारे नंबर को है ना प्रिंट करना है. ठीक है, ठीक. सभी लोग अपना माइक को ऑफ किए हुए हैं ना? हाँ, ठीक. तो हम फिर अब शेयर कर रहे हैं स्क्रीन को. स्क्रीन शेयर हो गई है और अब हम लोग आते हैं किसमें? सी में. सबको सी वाला स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर. यस सर. सर टर्बो की यूज करते हैं सर क्या? सर आप अभी तक टर्बो की यूज करते हैं? हाँ, हम लोग थोड़ा सा पुराने जमाने के लोग हैं ना, इसीलिए. आप लोग नए जमाने के सर लोग हैं. तो देखिए, 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है, नंबर को प्रिंट करना है, मगर सबको नहीं, सिर्फ उसको प्रिंट करना है जो 3 और 4 से डिवाइड हो जाता है ना. तो एक लूप चलाने के लिए हम लोग आई इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, आई इस्तेमाल करने के बाद और भी कुछ वेरिएबल लेने की जरूरत है? नहीं, हमको लगता है लेने की जरूरत नहीं. ठीक, अब इसके बाद फॉर चला रहे हैं, 1 से लेकर कहां तक? सर एन नंबर नहीं लेंगे? नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक है. ऐसे नहीं सर, 1 से एन नंबर तक है. क्वेश्चन एन तक है? हाँ. फिर से क्वेश्चन पढ़ के बताइए. इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट ऑल नंबर फ्रॉम 1 टू n व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4. अच्छा अच्छा, n तक है ना? ठीक, n तक है तो एक n तो लेना पड़ेगा. हम सोच रहे थे 100 तक है, n ले लिए. ठीक है, अब clr scr कर देते हैं प्रोग्राम को सुंदर बनाने के लिए. फिर printf कर देते हैं, इंटर वैल्यू फॉर n ऐसे स्कैन अप कर दिया ऐसे. ठीक है, फिर परसेंट डी कर दिए, इतना तो सब लोग बना ही दिया होगा, एम परसेंट एन ऐसे है ना. इसके बाद हम हंड्रेड में लिखे क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे है ना, ऐसे. अब ऐसा नंबर मतलब आई तो है ना, सो मॉडुलस निकाले किसे? 3 से, और उसका रिमाइंडर ला दे 0. ठीक है, एंड ठीक है, आई को डिवाइड करे 4 से भी और फिर रिमाइंडर 0 लाए. ठीक है, बस यही नंबर को सिर्फ प्रिंट करना है, टोटल को नहीं. ऐसे उसी आई को प्रिंट कीजिए जो इस कंडीशन को, इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, है ना. फिर ऐसे कर दिए, फिर गेट सीएच कर दिए ऐसे ऐसे, है ना. अब हम लोग इसको रन करा रहे हैं ऐसे. ठीक है, अब हम 25, ठीक है, इनका वैल्यू दे रहे हैं, मतलब 1 से लेकर के 25 तक के वो सारे वैल्यू को प्रिंट करें जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो. देखिए बस यही दो नंबर है ना, 12 3 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है, 24 भी 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है. इसी तरह से अगर हम 100 में देखना चाहें तो इनपुट कर देते हैं 100. तो 100 में ये सारे नंबर्स हैं जो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा. क्लियर? अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई दिक्कत है तो बताएंगे. किसी को दिक्कत? हेलो, क्या
नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सही ढंग से, जोर से बोलिए। ओ ये स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, जैसे हम लोग इनपुट कराते हैं ना तो कर्सर ब्लिंक करता रहता है, उसी तरह से ये इनपुट मांगता है जिससे कि हम लोग आउटपुट सारा चीज जो प्रोग्राम जो लिखे हैं यहाँ से यहाँ जो रन करेगा वो सारा कुछ तब तक हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे ना तो हम लोगों को स्क्रीन का आउटपुट दिखाई नहीं देगा, अल्ट एफ फाइव करके दोबारा जा करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए थोड़ा देर के लिए इसको हटा दिए, अब इसको रन किए, मेरे से नंबर मांग रहा है, ठीक है हमने नंबर दे दिया। ठीक है अब देखिए हम लोग आउटपुट देख पाए नहीं देख पाए, आउटपुट दे दिया, देकर चला भी गया लेकिन इतना जल्दी दे के चला गया कि हम लोग देख नहीं पाए स्क्रीन को, तो उसको देखने के लिए हम लोगों को यहाँ जाके देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ यूजर स्क्रीन अल्ट एफ फाइव करके, या फिर यहाँ से अब देखिए हम लोग आउटपुट देख रहे हैं 12, 24, 36, 48, है ना, यही इसी स्टेप को रोकने के लिए है ना हम लोग इनपुट वाले फंक्शन इसको लगा देते हैं, जैसे कि ये आउटपुट देने के बाद स्क्रीन को रोके, है ना। अब देखिए वही काम को फिर कर रहे हैं ऐसे, लेकिन अब देखिए है ना ये स्क्रीन को रोके हुए गेट सी एच, जैसे ही कोई की प्रेस करेंगे ना तो फिर देखिए स्क्रीन को रोकना बंद कर देगा, आ जाएंगे प्रोग्राम पे। अब समझे? ठीक, तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के आंसर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो छपाई कर सकते हैं या फिर स्क्रीन शॉट लीजिए, ले लिए। आप देखिए अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि नंबर को आप इनपुट करें मगर 3 या 4 से कटने वाले नंबर को पिन करें, 3 या 4 से, मतलब 3 से भी कटे उस नंबर को भी या फिर 4 से भी कटे उस नंबर को भी, तो देखिए इसमें हम एन की जगह पे और कर देंगे, है ना, ठीक है ऐसे कर देंगे। अब देखिए ढेर सारा नंबर आएगा रिजल्ट में, देखिए ये सब नंबर या तो 3 से या तो 4 से कटते हैं, है ना। अब पहला वाला क्वेश्चन वो नहीं था, पहला वाला क्वेश्चन ये था कि 3 से भी कटे और 4 से भी कटे दोनों से, लेकिन ये वाला में क्या था कि नहीं 3 से भी कटेगा तो भी काम हो जाएगा, 4 से भी कटेगा तो भी काम हो जाएगा, दोनों से कटेगा तो भी काम हो जाएगा। क्लियर? तो देख रहे हैं जरा सा एंड और में चेंज कर देने से क्या हो जाता है। ठीक है, नोट कर लिए। तो अब हम लोग आज नया चीज पढ़ेंगे, ये पहला आपका लूप स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्वेश्चन है, क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट है ना, आई बढ़ा रहा है ना, नहीं सर बोल रहे उसका एक क्वेश्चन है, क्या वहाँ पे सर इंट ए की जगह, मतलब इंट को आप आई की जगह कोई भी डिफाइन कर दीजिए और प्रिंट में सर 3% लगा के और ए और एक पोस्ट इंक्रीमेंट और एक प्री इंक्रीमेंट कीजिएगा। क्या क्या किसके जगह पर किसको कर देंगे? इस आई इस वन से लेके सर एक नया सर एक नया प्रोग्राम बनाएंगे सर, नया प्रोग्राम बनाएंगे, क्या बनाए हैं
सेकंड लूप में लिखेंगे व्हाइल, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना सब लोग? यस सर, लिख लिए। ठीक, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज्ड इज अ स्टेटमेंट ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब फॉर स्टेटमेंट। ठीक है, फिनिश। In it, if the condition of while statement is true, then it executes the statements under while repeatedly. Otherwise, no. ठीक है, नोट कर लिए? ठीक सिंटेक्स ये हो गया, इसका सिंटेक्स नोट कर लिए? ठीक, तो अब हम लोग आते हैं इसका एग्जाम्पल में। देखिए, जब तक ये वाला कंडीशन सही रहेगा, इस व्हाइल के अंदर के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा, है ना। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा, है ना, इसके अंदर के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को बंद कर देगा। कैसे? तो ऐसे, ऐसे एक से स्टार्ट किए, अब हम यहां पर ऐसे लिखें, फाइल ऐसे प्रिंट एफ ठीक है, फिर से और
कंडीशन को बढ़ाते रहिए ऐसे। थैंक यू। अगर हम ऐसे कर दें ऐसे देखिए 15 बार क्लियर को क्वेश्चन, ये आवाज आ रही है हमारी? हेलो। यस सर। आप ये समझ रहे हैं? अगर इसी में हम इस चीज को आप लोग नोट पहले कर लीजिए, ठीक है, छपाई कर लीजिए, फिर अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आयुष कलेक्शन ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे। मान लेते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करना है नंबरिंग, तो उसमें ऐसे करेंगे। परसेंट आगे परसेंट बी और आई को भी प्रिंट कर देंगे। अच्छा ठीक है, परसेंट डी लिखने का तो परसेंट एफ से कर देंगे ऐसे, इसलिए स्ट्रिंग आ रहा है। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक आ गया है ना। अब हम इसको अगर ऐसे कर दें तो ऐसे है ना, लाइन ब्रेक कर हटा देते हैं, एक ही लाइन पे आएगा तो ज्यादा नंबर दिखाई देगा। ठीक है, 1 से 100 तक आ गया ना। ठीक है, ये फॉर की तरह ही काम करता है, मगर अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें देखिए इनिशियल वैल्यू यहाँ लिखना पड़ रहा है, कंडीशन यहाँ लिखना पड़ रहा है, इटरेशन स्टेप्स यहाँ पर लिखना पड़ रहा है ना। यही चीज हम लोग फॉर में एक साथ लिखते थे। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 1 से लेस देन 100 और प्लस प्लस, इसमें देखिए तीनों अलग अलग लिखना पड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? सर इसमें स्टेटमेंट, सर इसमें स्टेटमेंट फॉल्स कैसे होगा फिर? इसमें स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स कैसे होगा? फॉल्स होगा ना। देखिए आई का वैल्यू देखिए 1 हुआ, फिर देखिए 2 हुआ, फिर देखिए 3 हुआ। जैसे ही 101 हो जाएगा आई का वैल्यू बढ़ते बढ़ते कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कोई क्वेश्चन? सर तो इसमें ऐसा कुछ नया तो नहीं हो रहा जो फॉर लूप में नहीं हो रहा था? नया सिर्फ यही है कि फॉर लूप में तीनों एक साथ लिखे जाते हैं और ये अलग अलग लिखे जाते हैं। ठीक, इसके अलावा भी कुछ अंतर है जो हम समझेंगे। जब फॉर और व्हाइल दोनों एक ही काम को करता है तो व्हाइल क्यों बनाया गया है ना क्वेश्चन? हाँ, तो एक्चुअली में इसमें फॉर वाला प्रॉब्लम तो सोल्व करते ही है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के और भी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ व्हाइल से ही बन सकता है, वो वाला भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो क्या आप व्हाइल से सारा का सारा प्रॉब्लम्स बना सकते हैं ना जो फॉर से बनाया था? यस सर। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है? नॉर्मल होना चाहिए सर, बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। हाँ सर। तो आप लोग को 5 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं और एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बनाइए तुम।
क्वेश्चन को समझ गए? सर इसमें क्या प्रिंट टेबल फोर? ये फॉर मतलब फॉर इट मतलब प्रिंट फॉर इट, ये फॉर्मूला नहीं है। हाँ वो तो ठीक है। तो नंबर हम लोग इनपुट कराएंगे उसी का टेबल प्रिंट करना चाहिए। अगर दो इनपुट किए तो दो का टेबल आना चाहिए, दस इनपुट किए तो दस का टेबल आना चाहिए, मगर फाइल के थ्रू ऐसे बनाना है। फटाफट सब लोग बनाए तो अपने अपने कॉपी पे दो चार मिनट में, फिर उसके बाद जो लोग बना लेंगे हम उसको उसका देखेंगे, उसका स्क्रीन शेयर करेंगे। ठीक है एक क्वेश्चन सामने है और स्टूडेंट लोग भी सामने है, जिनका बन जाएगा वो बोलेंगे। ठीक है कोई बना पाए या नहीं? बन गया सर। बन गया? यस सर। अच्छा बन गया तो फिर आप कैसे हमको दिखाएंगे? बोलोगे बताइए कैसे दिखाएंगे? या ऐसा करें कि आप इस जो बना लिए हैं कोई एक स्टूडेंट इस प्रोग्राम में चेंज करके दिखाइए। क्या करना सर? गाना ही बजा रहे हैं क्या? अब बताइए कि इसमें क्या चेंज करना है, कौन बनाया है, नाम बताइए स्टूडेंट। हमारे प्रिय स्टूडेंट कहाँ भाग गए? सर इंट में एक और नंबर लेंगे, मतलब एक और वेरिएबल लेंगे इंट में। ठीक है इसमें एक और वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक सर, नंबर नाम, नंबर नाम से। इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद व्हाइल में 100 की जगह पर 10 कर देंगे, एक इनपुट नंबर। व्हाइल में 100 की जगह 10 कर दिए, नेक्स्ट बताइए। उससे पहले प्रिंट अप से नंबर ले लेंगे, एक नंबर ले लेंगे इनपुट से। इस नंबर तो लिए एन लिए ना, उसके बाद क्या करेंगे? 10 भी कर दिए, फिर क्या करेंगे? इस n का वैल्यू ले लेंगे यूजर से। हाँ तो स्कैन अप ऐसे बोलिएगा ना, स्कैन अप से। सर स्कैन अप से, ठीक है स्कैन अप करवा दिए n का वैल्यू, यूजर से एंट्री ले लिए है ना। यस सर। ठीक प्रिंट अप में i जो i हम लोग लिखे ना i इनटू नंबर n कर देंगे।
आई इनटू एन कर देंगे परसेंटेज परसेंटेज सर सही ऐसे कर देंगे यस सर और भी कुछ चेंज करेंगे नो सर है ना नो सर एक बहुत तेज स्टूडेंट है हमारे बैच में इतना पर तो आ जाना चाहिए सर एकदम आ जाना चाहिए देखिए आ गया आप इसको स्लैश एन लगा दीजिए तो पहले तो लगा रखे थे प्रिंट टेम में तो हटा दिए का है ठीक है ठीक है आ गया ना कितने तेज स्टूडेंट हैं सही है तो इसका मतलब है कि सारा का सारा प्रॉब्लम जो हम लोग बनाए थे किसे बनाए थे जो हम लोग फॉर में बनाए थे ना उसको हम लोग आसानी से फिर यही होमवर्क में रहेगा आप लोग ठीक है कि जो प्रॉब्लम हम लोग बनाए थे किसे बनाए थे फॉर में है ना वो सब को ट्रांसलेट करेंगे बनाएंगे किसमें बनाएंगे व्हाइल व्हाइल लूप ठीक अब कोई स्टूडेंट बताएंगे कि इस व्हाइल में किसी तरह का कोई दिक्कत सर व्हाइल स्टेटमेंट में जो कंडीशन लिए हैं आई इक्वल टू ग्रेटर देन 10 क्यों लिए हैं ये नहीं समझ में आया लेस देन ग्रेटर देन लेस देन 10 सही है तो उसमें दिक्कत क्या है सर ये लिए क्यों ये नहीं समझ में आ रहा देखिए ये लूप चलेगा ना ठीक है ये कब तक चलेगा जैसे अगर हम आपको बोले ठीक है कि भाई आपके पास 100 रुपया दे रहे हैं ठीक है हम ये 100 रुपया दे रहे हैं और इस 100 रुपया का ठीक है आप 10 रुपया वाला टॉफी खरीद खरीद के खाते रहिए खाते रहिए खाते रहिए है ना तो ये आप कब तक 10 रुपये वाला टॉफी खाएंगे जब तक कि 100 रुपये खत्म ना हो जाए है ना तो ये कंडीशन एक हो गया ना कंडीशन क्या हुआ ठीक है कि टॉफी भाई कब तक जब तक खाओ जब तक कि पैसा 100 के बराबर या उससे कम ना हो जब तक 100 से बराबर उससे कम है तब तक टॉफी खाते रहो जैसे ही 100 से क्रॉस हो जाता है टॉफी खाना बंद हो जाता है ना वही चीज लिखा हुआ है कि आई का जो इनिशियल वैल्यू 1 है तो ये वाला लूप यहां से लेके यहां तक ये तब तक करता रहे जब तक कि ये वाला कंडीशन सही समझे क्लियर ठीक है तो बस आज इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे तरह के प्रॉब्लम पढ़ेंगे होमवर्क सब लोग बना लेंगे ओके